नमस्कार, मैं हूँ सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना के बाद लगातार किसानों के पक्ष में और किसानों के न्याय के लिए आवाज उठा रहे बीजेपी के सांसद वरुण गांधी पहले भी किसानों के हक के लिए ट्वीट किए थे। अब उन्होंने एक और वीडियो घटना से जुड़ा हुआ ट्वीट किया है, जिसके बाद ट्वीट करते हुए उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। हम आपको बता दें, वरुण गांधी ने जो वीडियो ट्वीट किया है ये बुधवार की रात को सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किसान को किस तरीके से तेज रफ्तार आती हुई जीप कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। हम आपको बता दें, वरुण गांधी ने इस वीडियो को शेयर किया है ट्वीट के माध्यम से, और उसके बाद उन्होंने लिखा है, यह वीडियो बिल्कुल साफ है, प्रदर्शनकारियों का मर्डर करके उनको चुप नहीं कराया जा सकता। निर्दोष किसानों के बिखरे खून की जवाबदेही होनी चाहिए। सभी किसानों के अंदर अहंकार और क्रूरता का संदेश जाए, इससे पहले न्याय होना चाहिए। तो वरुण गांधी ने लगातार, जैसे हम आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में उनकी ट्वीट या उनकी बातें सामने आती रही, किसानों के हक में या किसानों के समर्थन में वो आवाज़ उठाते रहे हैं, और इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने एक न्याय की गुहार तो लगाई है, साथ ही उन्होंने एक संदेश भी दिया है कि किसानों के मन में ये ना आए कि बीजेपी अहंकार और बीजेपी के अंदर अहंकार और क्रूरता आ गई है, जिसके वजह से एक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही। हम आपको बता दें, जो वीडियो वरुण गांधी ने शेयर किया है वो वीडियो बुधवार की देर रात सामने आया। इसके पहले एक घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो आया था, हालाँकि वो वीडियो की लेंथ ना ज़्यादा लंबी भी नहीं थी और वीडियो उतना क्लियर भी नहीं था, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है वो पहले के मुकाबले बड़ा भी है, मतलब कि वो वीडियो 37 सेकंड का है। इस वीडियो का हम आपको बता दें, इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को निशाने पर लिया था। ताज़ा वीडियो पहले के मुकाबले लंबा और साफ है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से तेज़ी से पीछे से किसान अपने रास्ते पे आगे जा रहे हैं, और पीछे से एक तेज़ स्पीड में रफ्तार से में थार गाड़ी आती है और किसानों को कुचलते हुए आगे चल जाती है। उस थार जीप के पीछे दो और गाड़ियां रहती है, हालांकि किसानों को कुचलने के बाद आगे वो जा गाड़ी किसी तरीके से जाके रुक जाती है, जिसके बाद जो साथ में और किसान थे वहाँ पर मौजूद, वो पहले तो जो किसान को कुचला गया उसको बचाने की कोशिश करते हैं, और कुछ किसान लाठी डंडे लिए गाड़ी की तरफ भागते हैं कि कौन उनको कुचल के गया। तो कहीं ना कहीं जो ये बातें कही जा रही थी, या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनके बेटे की गाड़ी नहीं है, उनका बेटा उस घटना में मौजूद नहीं था और किसानों को इस तरीके से कुचला नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं जो वीडियो सामने आया है वो एक बड़ा सबूत के तौर पर भी देखा जा सकता है, और जाँच में भी इस वीडियो के काफ़ी अहम रोल होगा, क्योंकि इसमें पूरे तरीके से तीनों गाड़ियों जो तीन गाड़ी हैं उनका डिटेल भी समझ में आ रहा है और किसकी गाड़ी है, ये सब कई बातें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। हम आपको बता दें कि वरुण गांधी ने ये वीडियो शेयर किया कि जब थार गाड़ी किसानों को कुचला तो इसका कुछ हिस्सा पहले सामने आता है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा वीडियो है वो कई चीज़ों को साफ कर रहा है। हालाँकि अभी भी इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उसमें अजय मिश्रा का भी नाम है, कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि लगातार इसमें हत्या का भी केस इसमें दर्ज किया गया, कई और धाराएं भी जो पुलिस ने लगाई हैं संबंधित घटना से संबंधित धाराओं को लगाया गया है। विपक्ष लगातार इस घटना होने के बाद सरकार को घेरा रहा, सरकार पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, जिसके बाद योगी सरकार ने भी ये निर्णय लिया कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, जो मृतक किसान हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनसे जाँच कराने की बात जो है प्रदेश सरकार की तरफ से कही थी, जिसके बाद लखीमपुर का माहौल थोड़ा सा शांत होता जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार सरकार पे दबाव बनाए रखी हुई हैं ताकि इस मामले में किसी भी प्रकार का हीला हवाली ना हो। हम आपको बता दें कि वरुण गांधी पहले भी पार्टी लाइन से हट के किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाते रहे हैं, इसके पहले भी आज तो उन्होंने वीडियो शेयर किया है और न्याय की गुहार लगाई है। इससे पहले भी वरुण गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले की मामले पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ निष्पक्ष तरीके से जांच कराए जाने की मांग की थी।